टीवी आरो पेंसिल ट्रांसफर्स सब पेंसिल थिंग कॉम्प्लेक्स यस सर्विस यस तो दिस इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ टीवी बस मल्टीपल स्क्लेरोटिक लीजन यस दिस कुड बी एनीथिंग क्या है एज क्या है 13 ईयर ओल्ड मेल में क्या होता है ऐसा कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स यू जस्ट से स्क्लेरोटिक लीजन पढ़ लेना किसकी सो दिस इज टेंशन बैंड वायरिंग इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना ये पूछेंगे ही अगर ये एक्सरे आ गया तो टेंशन बैंड वायरिंग का प्रिंसिपल क्या है ये पूछेंगे कुछ भी नहीं है इसमें दिस इज ह्यूमरस इग्लिनॉइड दिख रहा है नॉर्मल दिस इज क्लेविकल दिस इज द एक्रोमियन दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस बस क्या एबनॉर्मलिटी है नथिंग सब नॉर्मल ऑल स्पेसिस आर नॉर्मल शाफ्ट टीबिया फ्रैक्चर है यहाँ पे अपने को दिख रहा है सर ये फ्रैक्चर का टाइप को क्या है दिस इज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पर यहाँ पे ऑसिफिकेशन हो रहा है ना कैल्सिफिकेशन हो रहा है कैलस फॉर्मेशन है दिस इज कैलस क्या प्रिंसिपल होता है ये क्यों किया है प्लेट क्यों नहीं किया है प्लेट और इसमें क्या डिफरेंस है रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है पता है कुछ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब अगर प्लेट करते हैं तो दोनों कॉर्टेक्स को एकदम ज्वाइंट करना होता है तो गैप नहीं होना चाहिए अगर गैप है तो इट वोंट हील क्योंकि इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगा इसमें शेयर फोर्स होगा क्योंकि दिस इज जस्ट अ नील ठीक है तो दिस विल हैव शेयर फोर्स तो यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होगा फ्रीमर फ्रैक्चर है एंड ईवीएन भी है एसिटेबुलम नहीं दिख रहा है अपने को क्लियरली और हेड भी कोलैप्स्ड है तो ये निको फ्रीमर फ्रैक्चर के लिए सीसी स्क्रू फिक्सेशन किया हुआ था पहले लेकिन वो फेलियर हो तो दिस इज एन इम्प्लांट फेलियर ये क्या है वेल सेंट्रलाइज वेल एक्सपोज 16 ईयर ओल्ड मेल ये क्या दिख रहा है ग्रोथ प्लेट लगा क्या बस ये ग्रोथ प्लेट्स दिख रहे हैं दिस इज द नी जॉइंट जो तुम लोगों को पूछा तो डीडी में ये बोलना या इट कुड बी एनीथिंग इट कुड बी मेटास्टेसिस बट द फर्स्ट डायग्नोसिस यू कैन गिव इज ऑस्टियोमायलाइटिस तुम्हारे लेवल पे यह इम्पोर्टेंट पटेला फ्रैक्चर कहाँ दिख गया डिसलोकेशन बर्साइटिस है एसिटाबुलम कहाँ गया दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है लैटरल कंपार्टमेंट दो है ना मीडियल लैटरल लैटरल में स्पेस इज रिड्यूस दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है ये ये तो पूछेंगे यार एक्सटर्नल फिक्सर तो ये शैम स्पिन डाले हुए नॉट इलीजा दिस इज नॉट इलीजा इज अ रिंग फिक्सर दिस इज जस्ट अ यूनिप्लेन सिर्फ यही एक ही प्लेन में फिक्सेशन है दिस इज लॉट ऑफ दीज आर शैम स्क्रूज और यहाँ पे रॉड डाला हुआ है यूनिवर्सल कनेक्टर डाले हुए हैं है ना तो वहां पे दिखा है ना दिस इज अ एक्सटर्नल फिक्सर ये क्या है इंट्रामेडुलरी नीलिंग में क्या होगा यहाँ दो स्क्रू यहाँ दो स्क्रू दिस इज अ लॉन्ग
प्रॉक्सिमल फीमर और स्क्रू नेल. दिस इज अ लॉन्ग पी एफ एम. जैसे हमने आगे देखा शॉर्ट पी एफ एम ऊपर ऊपर चल है ना. सो दीज आर दी टू स्क्रूज गोइंग इन टू दी हेड ऑफ द फीमर. सो ये सेम ही चीज है. दिस इज अ लॉन्ग पी एफ एम, दिस इज अ शॉर्ट पी एफ एम. ठीक. इंट्रामेडुलरी नेल जो फीमर का होता है वो भी देखेंगे आगे, बट दिस इज फॉर सब ट्रॉकेंट्री फ्रैक्चर ऑफ द फीमर. दिस इज अ सब ट्रॉक फ्रैक्चर. ये क्या है? इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? ये डिस्क स्पेस है और ये डिस्क स्पेस है, क्या फर्क है? सो मोर देन अ फिश माउथ दिस इज बाम्बू स्पाइन. किसमें होता है और किसमें होता है? छोड़ो. सो दिस इज बाम्बू स्पाइन. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज इज एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. सो दिस इज अ बायमैन्युअलर फ्रैक्चर. यहाँ पे दोनों मैल्यूलर मैल्यूलर है क्या? स्पॉट्स में और क्या होता है जो बायो मैल्यूलर में नहीं होता? कौन बोला ये पूछिए. सो दिस इज अ लैटरल मैल्यूलर फ्रैक्चर जिसको केवायर से फिक्स किया है और ये दो सीसीएस डाल दिए. दीज आर जस्ट स्क्रूज बेस्ड इन दी मीडियल मैल्यूलर. इसमें और क्या कर सकते हैं जो करते हैं अपन मैल्यूलस में, ओलेक्रिनोन में, पटेला में? क्या होता है? टेंशन बैंड वायरिंग, टीबीडब्ल्यू. ये कर सकते हैं. क्या है ये? टीबीएल इंटरमीडियट. ये क्या है? दिस इज अ टिपिकल टीबीडब्ल्यू जो अपन ने बात किया. टीबीडब्ल्यू टेंशन बैंड वायर. ठीक है. जिसमें ये दो वायर्स डाल के, दो स्क्रू डाल के अपन टाई कर देते हैं के वायर इन द फिगर ऑफ एट. ये आपका क्लास आपकी जब भी फिनिश हो जाए तो ये सारा तो इसमें डाल के और यहाँ पे हाँ और वो अपना इंस्ट्रूमेंट. हाँ वो तो है नहीं. वो ओपीडी वाले को मैंने बोल दिया कि जब भी आप. ये क्या है? उसमें पढ़ो ही मत. कौन से स्कोलियोसिस एनीवे? सो दीज आर पेटिकल्स 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 दोनों नॉर्मल 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 नॉर्मल. ठीक है. दिस इज दी एपी. लेटरल में वी कैन सी सारा कुछ नॉर्मल है. लंबर लॉर्डोसिस है वो थोड़ा सा स्ट्रेटन. लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस नथिंग एल्स क्योंकि सारी डिस्क स्पेस एकदम नॉर्मल है. दिस कुड बी एन एंड प्लेट फ्रैक्चर. जो ये वर्टिब्री होती है उसमें दोनों ऊपर नीचे एंड प्लेट्स होती है. एंड प्लेट्स आर कार्टिलेजिनस प्लेट्स जिसकी वजह से जो डिस्क स्पेस होता है उसमें से पानी वर्टिब्रल बॉडी में नहीं जाता. सो दिस कुड बी एन एंड प्लेट फ्रैक्चर. बस और कुछ नहीं. इसको क्या बोलते हैं? कौन सा स्क्रू? पेटिकल. पेटिकल क्या होता है? सो वर्टिब्रल बॉडी होती है आगे उसको पोस्टीरियर आर्क से कनेक्ट करने के लिए जो दो छोटे से बोन्स होते हैं दो ज्यादा पेटिकल. तो यहाँ पे ये जो है दो बोन गोल गोल इधर से पेडिकल्स तो हमको ऐसे दिख रहे हैं. अब इसमें हम लोग पेडिकल स्क्रू डालेंगे एंड देन विल कनेक्ट इट विद द रॉड. और यहाँ पे बीच में डाला है दिस इज अ स्पेसर. स्पेसर ये फीमर से प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर एंड शार्प टू फीमर. दिस इज आईटी फ्रैक्चर. इसमें हमने किया है प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल. दिस इज पीएफएन. वो जो इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में बताया पीएफएन और पीएफएन ए पीएफएन. दिस इज अ पीएफएन दो स्क्रू वाले. ठीक है. दिस इज दी क्या कौन सा स्क्रू है? ये लैट स्क्रू क्या होता है? छोड़. ये पीएफएन है. पीएफएन ए में सिर्फ एक हेलिकल ब्लेड होता है. इसमें होगा कहीं पर देखेंगे. सो दिस इज अ पीएफएन.
प्रॉक्सिमल फेमोरल नेम। इसका नाम क्या है? दिस इज अ लैग स्क्रू, वो छोड़ो, दिस इज अ पीएफएम। बेसिक्स पता होने चाहिए, क्या क्या दिख रहा है, ऐसे टाइप लोग दिख रहा है। प्रॉक्सिमल फेमोरल नेम क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कॉर्टिकल और कैंसलस? थ्रेड्स का क्या डिफरेंस होता है? इसमें बड़े होते हैं, डिस्टेंस ज्यादा होता है थ्रेड्स के बीच। और ये पढ़ लें, और ठीक है, ट्यूमर्स आते हैं तुम लोगों को? सो इसमें ऐसा कमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट ट्यूमर का नाम नहीं देना है। दिस इज ऑस्टियोलाइटिक रीजन इन द डिस्टल एंड रेडियस, बस L4 और L5 के बीच में। दिस इज द एब्नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। क्या है? स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। दिस इज L4-5 स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। अब न्यूट्रल में दिख ही रहा है तो अपने ये व्यू क्यों करवाया है? दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इससे पता चलता है कि दोनों वर्टिब्रे के बीच कोई मूवमेंट है कि नहीं। मूवमेंट नहीं है तो इट इज अ स्टेबल स्पाइन, इसमें कुछ नहीं करना। अगर मूवमेंट है जैसे इसमें है तो इसको फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है, और जो इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स है उसमें पेडिकल स्क्रूज थे, तो इसमें पेडिकल स्क्रू डालेंगे, दो ऊपर दो नीचे, और रॉड प्लेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। इसके लिए अपन देखते हैं, ये दिस इज पार्स फ्रैक्चर, पार्स इंटर आर्टिकुलर। इसको लिख रहा है, क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड करता। दिस इज पार्स इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इसे कहते हैं स्पोंडाइलोलाइसिस। तो अगर किसी में ऐसे पीछे नहीं खिसक रहा है वर्टिब्रे, लेकिन सिर्फ ये दिख रहा है, दिस इज स्पोंडाइलोलाइसिस। लाइसिस इज जस्ट अ फ्रैक्चर ऑफ द पार्ट। इसका नेक्स्ट स्टेज है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, तो लाइसिस विल लीड टू लिस्थेसिस। अब ये है L5, ये है S1। तो जैसे ये दोनों के बीच अपने को दिख रहा है इंटरवर्टेबल डिस्क, इसमें नहीं दिख रहा है, डिस्क स्पेस रिड्यूस्ड है। So this is probably degenerative changes. ये क्या है? First, normal ABL lateral.